बिग थैंक यू, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से, बिकॉज ये पहली बार हुआ था दैट रेडियो इंडस्ट्री में किसी के नाम पे शो रखा गया था, एंड इट्स बीन रिसीव्ड वेल, इट्स बीन डूइंग वेल, एंड इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर, एंड दैट्स व्हाई नाउ वी आर लॉन्चिंग अ न्यू शो जिसका नाम है अनफिल्टर्ड विद शार्दुल. क्योंकि क्या होता है, टेलीविजन के जितने भी स्टार्स होते हैं, आप उन्हें कभी कॉफ़ी विद करण पे नहीं देखते हैं, और उन्हें हमेशा एक टेलीविजन स्टार कह के साइडलाइन कर दिया जाता है, जबकि टेलीविजन स्टार्स का पावर बहुत ही अलग होता है. हम सब जानते हैं दैट यू नो, आज अगर कोई बहू है वो उतनी ही प्यार, लाइक दिव्यांका इज एज लव्ड एज दीपिका इन फिल्म्स. आई एम नॉट सेइंग कि दोनों की रैंकिंग है, बट दोनों बहुत अच्छा काम करती, दोनों पॉपुलर. सो द आइडिया बिहाइंड द शो वॉज दैट वी वॉन्ट टू क्रिएट अ शो वेर इन वी इन्वाइट ओनली पीपल लाइक दिस, क्योंकि बॉलीवुड को हर जगह इन्वाइट किया जाता है और हमारे टेलीविजन स्टार्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है. सो दिस इज अ शो वेयर वी विल एक्सक्लूड एवरीवन एल्स एंड वी विल ओनली कॉल टेलीविजन पीपल. जिस तरह से ये भेदभाव किया जाता है उसको किस तरह से आप लेते हैं, जैसे टीवी सेलेब है ऐसे कि उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया, अब हमने एक नया शो बना दिया, अब हमने एक शो ना बना दिया. एंड द आइडिया इज दैट वी विल टेक दिस शो टू दैट लेवल वेयर इन यू नो पीपल विल बी लाइक ये वी वांट टू डू दिस शो. Because every time a new show is launched, people don't know the merit behind it. उन लोगों को नहीं समझ में आता है कि वो शो से हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाहें. वो बड़े से बड़े शोज़ हों, चाहे वो कपिल शर्मा शो हो, चाहे वो कॉफ़ी विद करण हो, इट्स अ न्यू फॉर्मैट दैट वी आर डूइंग. बिकॉज पहली बार हम लोग एक ऐसा शो ला रहे हैं जिसका कॉन्टेंट डिजिटली भी जाएगा, रेडियो पर भी जाएगा और पॉडकास्ट पर जाएगा. पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है इंडिया में, लेकिन पॉडकास्ट इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन एंटरटेनमेंट. सो दिस इज़ अ फर्स्ट शो विच विल बी कम्बाइनिंग ऑल थ्री. आज तो जैसे मैंने रूबीना के साथ फ्लर्टिंग करी, वो लोगों को देखने को मिलेगा. रूबीना ने क्या कड़क जवाब दिए हैं अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल, वो देखने को मिलेगा. द शो इज कॉल्ड अनफिल्टर्ड, सो बेसिकली सवाल भी अनफिल्टर्ड होने वाले हैं और जवाब भी अनफिल्टर्ड होने वाले हैं. हमारा मेन पेग ही ये है कि आप फिल्टर्स भले सोशल मीडिया पर यूज़ कर ले, पर यहाँ आप फिल्टर्स यूज़ नहीं कर सकते. और वो सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है. आई डोंट वॉन्ट टू डू इंटरव्यूज, आई डोंट वॉन्ट टू आस्क कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, आई डोंट वॉन्ट टू आस्क कि आपकी नेक्स्ट कॉन्ट्रोवर्सीज क्या है. दिस इज अ शो, सो टिल द टाइम वी डोंट ट्रीट आर टी वी सेलेब्स एज पीपल हु आर यू नो बिग इनफ टू गो ऑन दीज बिग इनफ शोज. लाइक अगर आप वेस्ट में देखें तो एलेन डिजेनरेस शो जो है, वहाँ पे वो बियॉन्से को या जेनिफर लोपेस को बुला के ये नहीं पूछती कि आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है. नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट. सेलिब्रिटीज आल्सो डोंट वांट टू से मेरा ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है. यू हैव सेगमेंट्स, यू हैव गेम्स, यू हैव एन अलॉट दैट यू विल हैव टू वॉच इट ऑन फिल्मी मिर्ची. आई कैन टेल यू राइट अवे. जी बिल्कुल है, कॉलिंग सेगमेंट्स नहीं है बट कॉल आउट सेगमेंट है. सो वी विल बी कॉलिंग आउट people now. Calling out means people who say weird things sometimes, and they will be called out, they will be spoken to, whether they are celebrities or whether they are trollers. Kya isme fans bhi involved hai? Bilkul hai, balki hamara segment hi hai ek hai jo sirf fans nahi trollers ka bhi hai. क्योंकि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग होती है और ट्रोलर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं. आप कुछ भी करो, कोई ना कोई नाखुश होता ही है सोशल मीडिया पे. सो वन सेगमेंट इज़ डेफिनेटली डेडिकेटेड टू ट्रोलर्स. सबके लिए होती है, सबके लिए होती है. सब होते हैं, देर इज़ नो, आप अगर किसी का भी सोशल मीडिया जाके देखेंगे तो सब होते हैं. लड़कियों की अलग तरह की ट्रोलिंग होती है, लड़कों की अलग तरह की ट्रोलिंग होती है. कोई लाइक सपोज रूबीना आज आई हैं, उनको कोई उनके कॉस्ट्यूम, उनके ड्रेस, उनके वेट के लिए बोलेगा. मुझे कोई बोलेगा कि रूबीना के पास क्या कर रहा है, वो अभिनव शुक्ला नहीं है तू. सो दिग थिंग्स लाइक दिस, यू नो, हर किसी की ट्रोलिंग होती है. ग्रेटफुल रहना सीखा. आई थिंक जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तब हमें नहीं पता था कि इतना लंबा चल जाएगा. एंड आई थिंक सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों ने, मेरे बहुत सारे पहचान के दोस्त हैं, लॉस्ट देयर पेरेंट्स. माई मदर इज़ फाइटिंग हर बैटल विथ कैंसर राइट नाउ, एंड
अ लॉट ऑफ इश्यूज़ एंड आई रियलाइज दैट यू नीड टू बी ग्रेटफुल इन लाइफ. यू नो हम हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, पर हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे पास जो है उसके लिए तो ग्रेटफुल हो. तो मैंने इस साल सिर्फ ग्रेटफुल रहना सीखा है. अभी तुम शो आया नहीं है तो हाँ तो मैंने अभी शो देखा नहीं है. तो देखिए मेरे शो जिन्होंने सुना है उन्हें पता है कि मेरे क्या विचार हैं कंगना के ऊपर. एंड आई थिंक मैंने बहुत ओपनली हमेशा कहा है, बहुत अच्छी बात है शो आ रहा है एक नया, बिकॉज यू नो इट्स अ OTT प्लेटफॉर्म के लिए बहुत अच्छा है. जो कंटेस्टेंट्स अंदर जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है. जो लोग बिग बॉस मिस कर रहे हैं वो लोग बिग बॉस का एक और वर्जन देख सकते हैं जब तक अगला बिग बॉस नहीं आता है. सो दैट वेज इट्स वेरी नाइस एंड आई वुड लाइक टू से ओनली दैट मच, बिकॉज कंगना के बारे में मैं ज़्यादा बोल सकता हूँ लेकिन अभी मैं बोलना नहीं चाहता. नहीं अभी तक तो सारे लिस्ट बाहर आई नहीं है एंड अगर कोई आया तो फिर देखेंगे. मतलब मुझे भी नहीं पता है कि मेरे कौन दोस्त अंदर जा रहे हैं, बिकॉज नोबडी कॉल्स एंड सेज हाँ सुनो मैं यू नो अंदर शो में जा रहा हूँ. वो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो या बट आई मीन वी कैन सेंड दिलजीत पाजी एंड आई थिंक अगर दिलजीत और कंगना साथ में होंगे तो मज़ा आएगा. मैंने तो कहा भी था कि दोनों को साथ में होना चाहिए. आई थिंक कंगना को भी मज़ा आएगा. एज अ होस्ट कैसे देखते हैं कंगना को? अभी देखा नहीं. मतलब कैसे देखते हैं, क्या कुछ आपको लगता है कि उनसे एक्सपेक्टेशन है आपकी? मेरी एक्सपेक्टेशन कंगना से कुछ नहीं है. मेरी एक्सपेक्टेशन किस तरह से वो होस्ट करेंगे, क्या कुछ आपको लगता है कि ऑडियंस को मजा आएगा वो? या फिर देखिए कंगना जो करती हैं उसमें ऑडियंस को मजा आता है, तभी शायद उन्हें होस्ट लिया गया है शो का. मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो कुछ कर रही हैं वो इंस्टा स्टोरीज और ट्विटर पे ट्वीट ना डालें, क्योंकि वो होस्ट करें, उनको बिजी रखो अंदर, उनको काम कराओ. क्योंकि जब वो स्टोरीज और ट्वीट डालना शुरू कर दिए तो सो या आई एम वेरी हैप्पी दैट कंगना रनौत इज बिजी एंड शी इज होस्टिंग अ शो एंड नॉट ट्वीटिंग एंड नॉट पुटिंग आउट स्टोरीज. सर